हेलो ऑल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पर्सन के लिए कि वो आज रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो आज रात के लिए ये हम रीडिंग कर रहे हैं। और आज रात के लिए कहने का मतलब ये है कि टाइमलेस रीडिंग है। सो जिस भी रात को या जिस भी दिन को आप ये रीडिंग देखेंगे उस दिन के लिए ये रीडिंग होगी। ठीक है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी आप सबसे कहें तो रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग मेरे दूसरे चैनल यानी कि स्वाद विद स्वाति को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उस चैनल पे जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी लोग हैं, ठीक है, जो भी खाने में बहुत ज़्यादा फूडी नेचर के हैं, उन लोगों के लिए है वो स्पेशली चैनल। और उस पे मैं रेगुलर जो है वीडियो डाल रही हूँ, रेसिपी, न्यू रेसिपी डाल रही हूँ, तो आप लोग भी सीखो आराम से। और लॉकडाउन है, आराम से उन सारे रेसिपीज़ को सीख करके घर में बनाओ, अपनों को खिलाओ, है ना। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्वाद विद स्वाति। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आज रात क्या सोचने वाले हैं। एक्साइटेड है ना? चलो प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आज रात की थिंकिंग क्या रहने वाली है इनकी, प्लीज़ गाइड मी। ठीक है, और कार्ड्स निकालते हैं। चलो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। सो फर्स्ट कार्ड है द व्हील। ओके, सेकंड कार्ड मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पे मैं कार्ड जो है ना पहले बॉटम ऑफ द डेक को रीड करूँगी, उसके बाद ही जो है ना अदर कार्ड मैं निकालूँगी। ठीक है, सेकंड, थर्ड, ओके, क्या सोचने वाले हैं वो। ओके, चलो और कार्ड्स निकालते हैं। कार्ड्स आपको अच्छे से दिख रहे हैं ना? एक मिनट। ठीक है, चलो और कार्ड्स निकालते हैं। एस ऑफ वैंड्स कार्ड्स आ रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना आपको? ठीक है, और देखते हैं कार्ड्स। लास्ट कार्ड। चलिए ठीक है, हो गए अब हमारे पास कार्ड्स। अब हम देखते हैं यहाँ क्या है इस कार्ड में। बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ कप्स। सो बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड से मुझे ऐसा दिख रहा है ना, जैसे कि पहले कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है आपके पर्सन का साइन। ठीक है, आपके पर्सन का साइन हो सकता है। ठीक, सेवन ऑफ कप्स, आपके पर्सन कन्फ्यूज है। ऐसे दिख रहा है ना जैसे कि आपके पर्सन के पास चॉइसेस अवेलेबल है, या तो जो है ना, देखो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग करते हैं आपके बारे में, लेकिन ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं, आप सोचते हो कि उनके पास चॉइसेस हैं, ठीक है, और वो सीरियस नहीं है शायद इस रिलेशनशिप के लिए। और ठीक यही थिंकिंग जो है आपके पर्सन की भी है। आपके पर्सन सोचते हैं कि शायद उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, है ना, उसके पास और भी लोग हैं, और भी ऑप्शंस हैं जिसको वो चूज़ कर सकता है या चूज कर सकती है, है ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन की थिंकिंग मुझे नज़र आ रही है, अभी फ़िलहाल सोच रहे हैं कि शायद मैं उसके लिए एक ऑप्शन हूँ, वो शायद सीरियस नहीं है मेरे लिए, सीरियस नहीं हो रही है मेरे लिए या नहीं हो रहा है मेरे लिए, इसलिए वो कंफ्यूज है ना। तो आपके लिए आपके पर्सन की थिंकिंग यही नज़र आ रही है कि वो आपको कंफ्यूज समझ रहे हैं और आपको जो है ना क्लियरिटी नहीं मिल रही है। इस पर्सन की थिंकिंग ऐसी हो रही है कि वो मेरे बारे में सोच तो रही है बट उसको क्लियर नहीं हो रहा है, सोच तो रहा है लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है,
क्योंकि उसके पास और भी लोग हैं, उसके पास और भी ऑप्शंस हैं जिसको वो चूज़ कर सकता है या कर सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन को ये नज़र आ रहा है, ये इनकी थिंकिंग मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। और ये अपना प्यार लिए हुए यहाँ पे देख रहे हो कप्स, है ना, ये अपना प्यार लिए हुए आपके बारे में सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी भी थिंकिंग यही रहती है इनके लिए, ठीक है ना, कन्फ्यूज़न। चलो ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक मैंने देख लिया, और कार्ड्स मैंने, जैसा कि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड मैंने यहाँ पे निकाला है, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे निकाला है मैंने, ओपन किया है, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स, द व्हील, आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आखिर ये जो समय का चक्र है, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो है ना, ये निशान मिला नहीं है, गोल तो है, सर्कल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी कुछ बाकी है। तो यहाँ पे आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि हम दोनों के कनेक्शन में जो है ना, अभी कुछ टाइम बाकी है, हम दोनों का जो रियूनियन होने वाला है, लेकिन अभी इस टाइम मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाकी है, यूनिवर्स कुछ और ही हमें सिखा रहा है अभी फिलहाल, इसलिए जो है हम दोनों मिल नहीं पा रहे हैं, इसलिए शायद मेरा पर्सन भी कन्फ्यूज़ है ना, वो मेरे बारे में सोच करके कन्फ्यूज़ है ना। तो ऐसी थिंकिंग है आपके पर्सन की। इसके साथ ही मैं देखूं तो व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे कार्ड बताते हैं कि आपके पर्सन को डेस्टिनी पे भरोसा है, ये पर्सन सोच रहे हैं कि ईश्वर का ये सब जो है ना चक्र है, ईश्वर का ये जो घुमाया हुआ चक्र है, और ईश्वर जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, ठीक है ना। तो अभी मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी टाइम है हम दोनों के रियूनियन में, और अभी ये टाइम जो है ना हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है बट जितना भी टाइम बचा है ना वो हमें निकालना पड़ेगा जैसे तैसे, है ना। तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, ठीक, ओके। सो अगला कार्ड मैं निकालती हूँ, यहाँ पे धीरे धीरे करके जो है ना सारे कार्ड्स मैं निकालूंगी, ठीक है। यहाँ पे अगला कार्ड है मेरे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आपके जो पर्सन हैं आपके बारे में बहुत देख रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप सिंपल हो आपके बारे में सोचते हैं आपके पर्सन कि सिंपल हो आप, ज़्यादा ताम झाम वाली चीज़ें नहीं हैं, मतलब कहे तो एक होता है ना कि जैसे दिखावा होता है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास हर चीज़ है, लेकिन यहाँ पे दिखावा नहीं है, ठीक है ना, आप मैच्योर हो, आपके पर्सन यही सोचते हैं आपके बारे में, या सोच रहे हैं अभी फिलहाल कि आप मैच्योर हो, आप जो है ना एक उनके इंतज़ार में बैठे हो, ठीक है ना, आप उनके इंतज़ार में बैठे हो, यहाँ पे आपका आपकी पॉजिटिविटी आपके पर्सन की तरफ जा रही है, ठीक है। आप जिस तरह से पॉजिटिव हो, जिस तरह से उनको पॉजिटिव रखते हो, आपकी पॉजिटिविटी उनकी तरफ जा रही है, और आपकी पॉजिटिविटी के कारण से आपके पर्सन यहाँ पे सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन डीपली थिंकिंग करते हुए नज़र आते हैं, ठीक, इस कार्ड में। और यहाँ पे ऐसा भी है ना, आपके कार्ड्स खुल के बताते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत सिंपल रहते हो, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो आप, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का जो फेवरेट कलर है ग्रीन हो सकता है, या फिर रेड हो सकता है, ग्रीन एंड रेड, ठीक है, जो कि मुझे आपकी हाई एनर्जी बता रहा है आपके कार्ड्स में, ठीक है ना। तो यहाँ कार्ड्स क्लियर हैं कि आप जो हो, आप अपने पर्सन को पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हो, और पॉजिटिव वाइब्रेशन देने की वजह से ही आपके पर्सन जो है आपकी तरफ यहाँ पे खींचे चले आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है, और यहाँ पे कुछ इस तरह की नज़र आ रहा है ये ना चीज़ें, जो कि बता रहा है कि शायद आप फाइनेंस में भी आप अपने पर्सन की बहुत हेल्प करते हो, है ना, बहुत सारे लोग जो है फाइनेंस में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि उसने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत कुछ किया है मेरे लिए। और यहाँ पे मैं देखूँ तो आपने उनका बहुत ख्याल रखा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है आपने अपने पर्सन का। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं, ठीक है, आपकी जो है, मुझे लगता है कि आपका कुछ कुछ गिफ्ट्स है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी याद दिलाए, है ना, वो इस पर्सन के सामने हैं।
रखी हुई हैं, और वो उस पर्सन देख करके उस चीज़ को, वो पर्सन देख करके वो उन सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। ठीक है, तो और कार्ड्स निकालते हैं। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, ओ हो, प्रिंस एंड क्वीन दोनों। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि कहीं मेरा इसके साथ सोलमेट कनेक्शन तो नहीं है, कहीं मेरा इसके साथ जो है बेहतर और ज़्यादा जो है ना डीपली कनेक्शन तो नहीं है। आपके पर्सन को ऐसी फीलिंग आ रही है। ठीक है, आपके पर्सन थोड़ा थोड़ा करके जो है ना ये आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, ये धीरे धीरे करके जो है ना ये कदम बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट में है ना, और आपके पर्सन को डेस्टिनी के ऊपर भरोसा है, और डेस्टिनी के ऊपर भरोसा करके ही आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मैं धीरे 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 करके जो है ना अपने कदमों को आगे बढ़ाऊंगा उसकी तरफ। ये ऑन ऑफ जो होता रहता है, इन और आउट जो होता रहता है ना, इसको रोकना पड़ेगा। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मुझे इस चीज़ को रोकना होगा, बार बार आना, उसका दिल तोड़ना, फिर चले जाना, फिर आना, फिर दिल तोड़ना, फिर चले जाना, ये कहीं से सही नज़र नहीं आता आपके पर्सन को। ठीक है, आपके पर्सन को एहसास है, कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि कहीं ये मेरा कर्मा तो नहीं है, आपके पर्सन को भी लगता है, लेकिन अब लगता है कि नहीं, मैं जो है ना इसके साथ सोलमेट कनेक्शन में हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो क्वीन है ना, ये आप इनको फील करवाते हो कि आप ही हो इनके लिए बेस्ट, है ना। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में। ठीक, और इसके साथ में देखूँ तो आपके लिए जो कार्ड है ना, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है मेरे पास, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, चलो ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी जो एनर्जी है, आपके पर्सन की सोच जो है यहाँ पे यही है कि आपने पेशेंस रखा है। यहाँ पे मैं देखूँ तो बहुत टाइम से आप पेशेंस रख के अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो। मैंने कहा कि आप इंतज़ार कर रहे हो, आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि उसके अंदर इतना पेशेंस है कि वो मेरा इंतज़ार तो कर रही है, मैं आता हूँ जाता हूँ आता हूँ जाता हूँ, फिर भी वो मेरा ही इंतज़ार करती है ना, या करता है। ठीक, तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जी दिख रही है। ठीक है ना, ओके, चलो और कार्ड्स निकालते हैं। मुझे ये भी कार्ड्स दिख रहे बता रहे हैं ना आपके, कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मुझे न्यू जर्नी स्टार्ट करनी है इस रिलेशनशिप में, और सीरियस रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, इस तरह आना जाना नहीं करना है, है ना। तो सीरियसली ये पर्सन सोच भी रहे हैं आपके बारे में। चलो और कार्ड्स निकालते हैं। एट ऑफ कप्स, ओके, एट ऑफ कप्स, आपके पर्सन ये सोच रहे हैं आपके बारे में कि मेरा पर्सन इस इन और आउट से जो है ना परेशान हो चुका है। ठीक है, कभी कभी वो सोचती है या सोचता है कि मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, जो प्यार है ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे मूव ऑन भी करना चाहिए, क्योंकि इस तरह आना जाना तकलीफदायक होता है। ठीक है ना, आपके पर्सन ये सोच रहे हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, आपके पर्सन की थिंकिंग मुझे यही नज़र आ रही है कि ये पर्सन जो है ना आना जाना ये तो जानते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन अब जो है आपके बारे में सोच रहे हैं कि इस तरह से जो है ना मैं कर रहा हूँ, इसलिए जो है ना ये हो सकता है कि मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रही होगी, या हो सकता है कि उसके पास ऑप्शंस भी है, इसलिए जो है ना वो मूव ऑन करने के बारे में सोच रही है या सोच रहा है। ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है। ठीक, यहाँ पे मैं देखूँ और कार्ड्स कि देखो आपके पर्सन जो है ना, आपके पर्सन विजुलाइज कर रहे हैं आपको। ठीक है, आंखें बंद करके हम विजुलाइज करते हैं, तो वही कर रहे हैं आपके पर्सन, और ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप जो है ना अपने पास्ट को लेकर के, आपके पर्सन सोच रहे हैं कि अपने पास्ट को लेकर के मेरा पर्सन परेशान है, और ये परेशानी भी मेरी वजह से आई है, क्योंकि मैंने उसके साथ जो है ना गलत किया है ना। तो आपके पर्सन को जो है ना यही समझ में आ रहा है, अभी यही देख रहे हैं कि मेरा पर्सन जो है अपने फ्यूचर को सोच करके अभी पास्ट को रिलीज़ करने के बारे में भी कहीं ना कहीं वो सोच रहा है या सोच रही है। ठीक है, तो ये मुझे नज़र आता है। आगे के कार्ड्स देखते हैं क्या है। मैं धीरे धीरे करके कार्ड्स निकाल रही हूँ। डेथ का कार्ड है, ओके। आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि देखो यहाँ पे डेथ है, यानी कि क्या है, यहाँ पे जीत है ना। यहाँ पे ये नज़र आता है कि आपके पर्सन जो है ये सोच रहे हैं कि ये जो अगर ये मूव ऑन हो गया ना या हो गई ना, फिर मुझे प्रॉब्लम होगी, फिर मुझे जो है ना यहाँ पे
मैं कहाँ जाऊँगा या कहाँ जाऊँगी, है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि हाँ, मुझे फिर से नई शुरुआत अपनी तरफ से ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पर्सन जो है ना इंतज़ार कर रहा है और मैं हमेशा ही हूँ कि आता हूँ जाता हूँ चला जाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं यहाँ पे न्यू बिगिनिंग करने का, ठीक है। यानी कि ये जो टाइम है ना, ये टाइम चेंज होने का आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि ये जैसे ही टाइम चेंज होगा ना, मैं आपके पर्सन को कॉल करूँगा, मैसेज करूँगा, उसे बात करूँगा, हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट करने के बारे में उसे क्लियर बातें करूँगा, ठीक है। तो ये मुझे ऐसे नज़र आता है आपके कार्ड्स में, ठीक है। ओके, तो मुझे कार्ड्स ये बताते हैं कि जैसा कि एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, मुझे बताते हैं कि आपके जो पर्सन हैं ये अब अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ हुआ, ठीक है, बहुत हुआ, अब नहीं, ठीक है, अब नहीं। यानी कि क्या है, तो ये पर्सन जो है ना अब इस एनर्जी में आ चुके हैं, इस एनर्जी में आने के बारे में सोच रहे हैं कि देखो, इनकी एनर्जी जो है ना यहाँ पे एरिज लियो सैज की है, ठीक है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस मैंने आपको बताया था, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ठीक है। रीडिंग करते टाइम जो है ना मैं साइन बताना भूल गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनकी हाई एनर्जी है और ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि मुझे जाना होगा, ठीक है, मुझे खुद को प्रूव करना होगा, उसके सामने ये जो ऑप्शंस है, जो ये कन्फ्यूज़न है, उसको ये दूर करना होगा, ठीक है, ये कन्फ्यूज़न मुझे दूर करना है। इसलिए ये पर्सन जो है ना यहाँ पे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। दोनों ही कार्ड्स आए हैं जो कि बता रहे हैं कि न्यू बिगनिंग करना है, ठीक है, आपके पर्सन को, और न्यू बिगनिंग इनको करना ही करना है, ठीक। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन को शायद कोई सपोर्ट मिल रहा है, शायद किसी के वजह से ये पर्सन और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। हो सकता है कि इनका कोई फ्रेंड होगा, फैमिली मेम्बर होगा जो इनको सपोर्ट कर रहा होगा, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे फैमिली और फ्रेंड्स का नाम लेते ही फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड भी आ गया मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड्स मुझे यही बताते हैं, फाइव ऑफ वैंड्स क्लियर हैं कि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, आपके पर्सन आपके लिए झगड़े कर रहे हैं, आपके पर्सन आपके लिए जो है जो आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं या बोल रहे हैं कि नहीं तुम मत जाओ, मत करो, इस रिलेशनशिप में आखिर कुछ नहीं रखा, तुम्हें दर्द मिलेगा, तुम्हें तकलीफ मिलेगी, लेकिन फिर भी ये पर्सन कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो जाना है। इसलिए ये पर्सन जो है ना लड़ाइयाँ भी कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये नज़र आता है कि ये पर्सन स्टैंड लेने के लिए यहाँ पे जिससे लड़ने की नौबत आ गई है, ठीक है ना, आपके लिए, ठीक है, आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड तो ले रहे हैं। यहाँ पे मुझे पता है कि आप दोनों में भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, आपके पर्सन सोच रहे हैं कि हम दोनों में भी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं और इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए मुझे लड़ना पड़ेगा, मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है ना वो सारी सिचुएशन को झेलने के लिए तैयार हैं। झेलने के लिए मतलब कहने का ये अर्थ है कि जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसके लिए, ठीक है, उसके लिए, उसके साथ, ठीक है, यहाँ पे उसकी वजह से मैं अपने रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करूँगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मुझे ये नज़र आता है कि कुछ आपका जो रिलेशन है ना थोड़ा सा ऐसा दिखता है जैसे कि आपके बारे में किसी ने गलत बोला है आपके पर्सन के बारे में, सो उस चीज़ को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, ठीक है ना, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ठीक। और देखो, स्टैंड लेने की मैं बात करूँ तो आपके पर्सन स्टैंड लेने वाले हैं, ठीक है ना, ये पर्सन यही सोच रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, वाओ, प्रिंस ऑफ वैंड्स आपके जो पर्सन है यहाँ पे प्रिंस ऑफ वैंड्स के कार्ड से यही दिख रहा है कि आपके पर्सन एक्शन तो लेना है इनको। मैंने पहले भी कहा कि ये पर्सन एक्शन लेने वाले हैं। यहाँ पे ये नज़र आता है कि ये पर्सन जो है ना आई थिंक, देखो यहाँ पे क्या है ना कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पे मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है, ठीक है। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक, और लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से अभी आप लोग जो है अलग अलग भी और खफा खफा तो हो ही। तो आपके पर्सन यही सोचने वाले हैं या प्लानिंग करने वाले हैं, हो सकता है कि ये टिकट भी करवा ले मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना प्लानिंग कर रहे हैं आगे फ्यूचर के बारे में सोच करके, और ये जो है यहाँ पे आपके पर्सन कमिटमेंट देने का प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है।
आपके लिए हर एक मुश्किल से ये लड़ने को तैयार हैं। यहाँ पे ये पर्सन वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, आपके लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। स्टैंड लेने के लिए आए थे, एटलीस्ट सोच तो रहे हैं ना कि हाँ मेरे पर्सन के लिए मुझे स्टैंड लेना होगा, उसको इस लड़ाई में, इस सिचुएशन में अकेला मैं नहीं छोड़ सकता, है ना। चलो, टेन ऑफ वैंड्स, आपके पर्सन को पता है कि मैं जब एक्शन लूँगा ना, या फिर मैं जब इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ूँगा ना, मेरे सामने बहुत सारी परेशानियाँ आएगी, फैमिली प्रेशर आएगा, बहुत सारे लोग जो है ना मुझ पर दबाव डालेंगे कि नहीं मत जाओ, मत करो, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये करूँगा, मुझे ये करना है ना। तो आपके पर्सन के अंदर ये थिंकिंग आएगी, यहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि आपने इनको पॉजिटिव वाइब्रेशन दी है, आप पॉजिटिव रहे हो, आप पॉजिटिव वाइब्रेशन रोज़ देते हो अपने पर्सन को, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि आपके पर्सन हर एक मुश्किल से, ठीक है, जो भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी उससे ये लड़ने को तैयार हैं। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उससे लड़ने को तैयार हैं, ठीक है, अपने पूरे एफर्ट्स जो है ना ये पर्सन लगा देने के मूड में मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि मेरे से जितना हो पाएगा मैं करूँगा या करूँगी, ठीक है, लेकिन मुझे अपना ये जो है ना अपना ये रिलेशनशिप खोना नहीं है, मुझे अपना ये रिलेशनशिप पाना है, मुझे इस रिलेशनशिप में जाना है, ठीक है ना। तो आपके पर्सन मुझे यही करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेते हुए, आपके लिए इतना ज़्यादा सोचते हुए, आपसे बात करने के लिए सोचना, आपसे मिलने के लिए सोचना, इतनी सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपकी रीडिंग में, ठीक है। सो ये रही आज की रीडिंग ख़त्म करते हैं, वरना जो है ना रीडिंग ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।